नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। और इस वक्त मैं पहुंचा हूं ग्राम बोरखेड़ा पित्रामल, और यहां पर घर के अंदर कोई सांप है तो चलिए देखते हैं। अच्छा, दूध भी रख दिया तो सांप दूध पीता है। अच्छा, तो दोस्तों आज भी लोगों में मान्यता है कि जो सांप जो होता है वो दूध पीता है, तो यहाँ पर रखा हुआ है। तो चलिए इसको रेस्क्यू कर लेते हैं। दोस्तों फिलहाल इसने कुछ खा रखा है और ये इसको जल्दी से उगल देगा। बाहर चलते हैं। थोड़ा दूर रो रहे तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सांप जो है डिफेंस के अंदर किस तरह से खड़े हो जाते हैं, और आप इसकी ऊंचाई देखिए कि इसने कितने ऊंचे अपने फन को जो है खड़ा कर लिया। तो चलिए इसको जार में करते, परेशान नहीं करते, और ये इस डब्बे के अंदर जो है जो भी खाया होगा निकाल देते हैं। दादा कई नाम है? हरिराम जी। अच्छा, तो दोस्तों अभी पूरा वीडियो जो है ये उर्मिला बहन है, इन्होंने बनाया है। और आपका नाम? विजय। और विजय हैं, इन्होंने कॉल किया था और इन्हीं के घर से जो है आपने देखा किस तरह से इस इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा ने भारतीय नाग को रेस्क्यू किया गया। अभी जल्दी से जल्दी हम इसको मुक्त करेंगे, तो इसी तरह से बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों अभी इस इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा को मैंने बोरखेड़ा पित्रामल से रेस्क्यू किया। चलिए इसको नेचर में रिलीज़ कर रहे हैं। और काफ़ी विषैला सांप, हर बार आपको हर वीडियो में बताते हैं, लेकिन बेवजह सांप किसी को बाइट नहीं करते। और आप लोगों से विनती है कि सांप को मारे नहीं, बल्कि कोशिश करें कि इन्हें बचाया जा सके, क्योंकि कई सारी मेडिसिन्स भी इनके वेनम से बनाई जाती है और जीवन रक्षक दवाइयाँ भी इनसे जो है बनाई जाती है। तो अनुरोध है आपसे कि सांप को देखते ही मारे नहीं और बचाने का प्रयास करें, क्योंकि प्रकृति में इनका रहना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसने कुछ खाया हुआ है, और ये अच्छा हुआ कि इसने इसको उगला नहीं, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि कोई सांप अपना भोजन जो है उगले।
तो चलिए दोस्तों, उसको जगह मिल गई है और वो अच्छे से यहाँ पर रह सकता है।